तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को एक रूम टाइप कंट्रोलर बना के दिया था, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों ने रूम टाइप के जो कंट्रोलर था उसमें हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट क्लास डायरेक्टली यूज़ कर ली थी। ठीक है, वो मैंने इसलिए यूज़ की थी कि आप लोग डायरेक्टली किसी भी चीज़ को यूज़ ना करें। ठीक है, जैसे कि रूम टाइप कंट्रोलर एडमिन के लिए था, और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैंने ऐड कर ली, और इसमें मैंने इंडेक्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। ठीक है, और एडिट भी बनाया, एडिट जो है रूम टाइप एडिट जो है क्रिएट किया, लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है इसका रीज़न मैं दूंगा, क्योंकि हम लोगों को लूजली कपलिंग बनाना है। लूजली कपलिंग का मतलब एमवीसी पैटर्न जो है हम लोगों को फुलफिल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, ये जो है पैटर्न गलत है, हम लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न पर चलना होगा, और रिपोजिटरी पैटर्न पर चलने के लिए हम लोगों को कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो हम लोगों को यूज़ करनी होगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे BLL प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, एक चीज़ है जो हम लोगों को एज यूजुअल हमेशा ही करनी है, जैसे कि जेनरिक रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, तो BLL पे जाइए, ऐड कीजिए एक नया फोल्डर, और उस पर लिखिए आप लोग जेनरिक रिपोजिटरी या रिपोजिटरी। तो मैं लिख देता हूँ रिपोजिटरी, ठीक है, मैंने लिखा रिपोजिटरी, और उसके बाद में हम लोग एक इंटरफेस ऐड करते हैं जेनरिक रिपोजिटरी के लिए। तो ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर आप लोगों के पास होगा इंटरफेस, और इंटरफेस में आप लोगों के पास होगी आई जेनरिक रिपोजिटरी। ठीक है, आई जेनरिक रिपोजिटरी, और इसको मैं बना देता हूँ पब्लिक। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन फंक्शंस होंगे, जैसे कि और वो सारे के सारे टेम्पलेट टाइप होंगे, जैसे कि हम लोग बना लेते हैं आई इन्यूमरेबल ऑफ टी। ठीक है, जैसे कि गेट ऑल, ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट में टी गेट बाई आई डी, और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप आईडी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इन्यूमरेशन ऑफ टी जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में टी क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टी, और इसको इनहेरिट कर दिया आई डिस्पोजेबल से। ठीक है, अब टी यहाँ पर कोई भी क्लास आएगी वो यहाँ पर इंजेक्ट हो सकती है, और इसमें आप लोगों की क्लास इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया गेट बाई आई डी, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टास्क ऑफ टी, और इसमें आप लोग गेट बाई आई डी एसिंक कर सकते हैं, गेट बाई आई डी एसिंक ऑब्जेक्ट ऑफ आई डी टी। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग void, और void हम लोग ऐड कर लेते हैं, और हम लोगों को ऐड में टी ऑफ एंटिटी, ये हो गया। void अपडेट के लिए भी हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में भी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो हम लोगों को यूज़ करने के लिए अच्छी रहती है। ठीक है, एक जैसे ऐड के बाद में हमारे पास होता है टास्क ऑफ टी ऐड एसिंक, ये हो गया टी एंटिटी। वॉइड अपडेट के बाद में भी ऐड एसिंक हो गया, डिलीट बाई एसिंक भी हो सकता है, ठीक है, और अपडेट बाई एसिंक भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं टास्क ऑफ टी कुछ, अगर हिंट मिल जाती है तो जल्दी हो जाता है एक्चुअली में, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं अपडेट एसिंक। ठीक है, अब अपडेट हो गया, अपडेट एसिंक हो गया, ऐड हो गया, और डिलीट एसिंक हम लोग कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं void डिलीट एंड टास्क ऑफ टी डिलीट एसिंक। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये कॉमन फंक्शन है जो हम लोगों ने इसमें बनाए हैं। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, गेट ऑल के अंदर हमारे पास एक हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एक रेफरेंस लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए, एक फिल्टर होना चाहिए, ठीक है, ताकि फिल्टर हम लोग कर सकें।
एक एक्सप्रेशन में भी हमारे पास लगना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन जैसे हम लोग लिखते हैं ना लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स एक्सटेंस टू आई डी डबल इक्वल टू आई डी, तो वो हम लोग इसमें लिख देंगे। अब एक्सप्रेशन लिंक की है एक्सप्रेशन आप लोगों के पास फंक्शन, और इसमें हम लोग टी पब्लिक बूल ये डाल सकते हैं, और यहां पर आप लोगों के पास आएगा फिल्टर सॉरी इज इक्वल्स टू नल। नेक्स्ट में हमारे पास फंक्शन, इसमें आ जाएगा आई क्यूरेबल ऑफ टी, यहां पर आ जाएगा आई ऑर्डर क्वेरेबल आ जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास आ सकता है टी, यहां पर आ जाएगा ऑर्डर बाई इक्वल्स टू नल, एंड नेक्स्ट में स्ट्रिंग इंक्लूड प्रॉपर्टीज, इंक्लूड प्रॉपर्टीज इक्वल्स टू इसमें हम लोग एम्प्टी वैल्यू डाल देते हैं डबल कोटेशन के अंदर, और ये बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज फाइन, नहीं ये थ्री स्टार हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है, ओके। नीचे भी लगा हुए थे तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब ये बात आप लोग सारे समझ गए होंगे, और वन बाई वन आप लोगों को मैं समझा भी दूंगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। गेट बाई आई डी में भी हम लोग जो हैं इन्यूमरेबल प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं, और हम लोग एक्सप्रेशन भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसमें अगर जोड़ना चाहें गेट बाई टी में आई डी वाइज, ठीक है, तो गेट बाई आई डी तो हम लोग निकालते ही हैं, लेकिन हम लोग ये बाद में भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट में आई जेनरिक रिपोजिटरी को इनहेरिट कर लेते हैं हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी से, तो एक न्यू क्लास हम लोग जोड़ते हैं जैसे इंटरफेस के द्वारा जोड़ी है मैंने, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं जेनरिक रिपोजिटरी। जेनरिक रिपोजिटरी में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पब्लिक क्लास जेनरिक रिपोजिटरी, और जेनरिक रिपोजिटरी को हम इनहेरिट करेंगे आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी से और आई डिस्पोजेबल से, ठीक है, टी से एंड आई डिस्पोजेबल, आई जेनरिक रिपोजिटरी ऑफ टी, एंड यहाँ पर आई डिस्पोजेबल भी हम लोग लगा सकते हैं आई डिस्पोजेबल आई जेनरिक रिपोजिटरी, तो यहाँ पर हम लोग आई डिस्पोजेबल यूज़ कर लेते हैं आई जेनरिक रिपोजिटरी वेयर टी इज़ अ क्लास। सो आई डिस्पोजेबल को भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इम्प्लीमेंट इंटरफेस, और आई जेनरिक रिपोजिटरी को भी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सब कुछ इम्प्लीमेंट हो चुका है, यहाँ पर आप बस हम लोगों को कंटेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है, और अन इम्प्लीमेंटेड फंक्शन को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग करते हैं प्राइवेट रीड ओनली, और उसमें हम लोग कर देते हैं एप्लीकेशन डी बी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इंटरनल, ठीक है, डी बी सेट, ठीक है, ऑफ टी, और इसको हम लोग अंडर डी बी सेट से ही डिनोट कर देते हैं डी बी सेट, ओके ओके कहाँ पे लिख दिया, ये लिख देते हैं हम लोग डी बी सेट, ओके ओके। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे, तो इसको ही हम लोगों को इनिशियलाइज करना है एक्चुअली में, और इसको इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ये हो गया। इसमें हम लोगों को अंडरस्कोर डी बी सेट, और इसमें हम लोगों को डालना है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑफ टी दिस, ठीक है, ये तो हम लोगों ने डाल दिया है। अब हम लोगों को ऐड है, जैसे ऐड एसिंक है उसके ऊपर काम करना है कि हम लोग इस पर कैसे यूज करें। सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे गेट ऑल फंक्शंस के ऊपर, ठीक है, ऐड पे नहीं काम करेंगे, सबसे पहले गेट ऑल पर करेंगे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, और उसके बाद में हम लोग गेट ऑल पर सबसे पहले काम करेंगे। यहाँ पर देखिए गेट ऑल लिखा हुआ है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें। गेट ऑल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आई क्यूरेबल डाटा होता है, क्वेरी किया जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है आई क्यूरेबल, ठीक है, ऑफ टी, कोई भी आ सकता है यहाँ पर, क्वेरी इक्वल्स टू टी बी सेट, ठीक है, ये लगा दिया।
तो इसमें आप लोगों की जो भी क्लास होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया डीबी सेट के अंदर, जैसे कि क्वेरी का यहाँ पर डीबी सेट का मतलब क्या हो गया, जैसे कैटेगरी क्लास हुई आप लोगों की, तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट या डॉट क्वेरीबल या इनिमरेबल, वो सारा का सारा इसमें आ गया आप लोगों के पास, तो डीबी सेट के अंदर। तो आई क्वेरी के अंदर क्या गया, आई क्वेरीबल ऑफ कैटेगरी क्वेरी डीबी, कैटेगरी को मैं एक टेबल बांध रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डीबी सेट आ गया। अब फिल्टर लगाते हैं हम, इफ फिल्टर जो कि यहाँ पर है आप लोगों के पास इस लोकल पैरामीटर में, देखिए ऑर्डर बाई भी है, इंक्लूड प्रॉपर्टीज भी है और फिल्टर भी है। इफ फिल्टर इज नॉट इक्वल्स टू नल, आई मीन टू से दैट आप लोगों के पास कोई ना कोई लैम्डा एक्सप्रेशन है, अगर लैम्डा एक्सप्रेशन है आप लोगों के पास, तो क्वेरी क्या हो जाएगी आप लोगों की, क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी वेयर का कोज लगेगा आप लोगों के पास, तो क्वेरी डॉट वेयर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और उसमें हम लोग लगा देते हैं फिल्टर की एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्वेरी वाला जो चक्कर है वो तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आप लोगों के पास हो सकता है कि कोई इंक्लूड करने के लिए हो, जैसे कि वन टू मैनी मैपिंग में भी होता है आप लोगों के पास, वैसे ही आप लोगों के पास हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई इंक्लूड करने के लिए हो, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फोर ईच लूप लगाएंगे, ठीक है, और वेर आइटम, आइटम की जगह आप लोग लिखेंगे इंक्लूड प्रॉपर्टी इन कलेक्शन, कलेक्शन में आप लोगों के पास है इंक्लूड प्रॉपर्टीज डॉट स्प्लिट, किससे स्प्लिट हो जाएंगे, कोमा से। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे न्यू कैर टाइप ऑफ एरे, ठीक है, और उसको अलग किससे करेंगे आप लोग, कोमा से, यहाँ से कोमा से अलग कर दिया उसको। उसके बाद में आप लोगों के पास लिखना है स्ट्रिंग स्प्लिट ऑप्शंस डॉट रिमूव एम्प्टी एंट्रीज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इंक्लूड करना है हर एक को, तो क्वेरी को करना है क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट इंक्लूड, इंक्लूड में हम लोगों को उसका नाम लिखना है इंक्लूड प्रॉपर्टी का, इंक्लूड प्रॉपर्टी ये आ गया आप लोगों के पास, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये फॉर ईच लूप यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके एक और इफ लगेगा ना, अब ठीक है। अब नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर बाई, तो इफ यहाँ पर हम लोग लगाएं ऑर्डर बाई इज नॉट इक्वल टू नल, देन आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, रिटर्न, और यहां पर आ जाएगा ऑर्डर बाई, और किस ऑर्डर, किस वाइज ऑर्डर वाइज करना है, क्वेरी डॉट टू लिस्ट, ये हो गया ऑर्डर बाई के लिए। एल्स अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो तो एल्स क्वेरी रिटर्न क्वेरी डॉट टू लिस्ट, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैटर मैंने आप लोगों को समझा दी, ये सभी में आप लोगों को ये चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं गेट बाई आईडी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास है टी, यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास है टास्क ऑफ गेट बाई आईडी एसिंग का, यहाँ पर आप लोगों के पास है टास्क ऑफ टी, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास है गेट बाई आईडी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को करना है डी बी सेट डॉट फाइंड रिटर्न db set dot find of id, ठीक है, ये कर दिया आप लोगों ने। अगर मैं यहाँ पर चलिए ये हो गया db set, यहाँ पर है db set is not null here, ओके id by id async हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोगों को करना है रिटर्न एसिंक्रोनस कीवर्ड लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पर टास्क ऑफ टाइप टी कर रखा है मैंने, तो यहाँ पर है अवेट डीबी सेट डॉट फाइंड एसिंक, और इसमें हम लोग कर देते हैं आईडी, ये भी हो गया सही,
और ये भी हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोगों के पास है ऐड का, ठीक है। तो ऐड का हम लोग कैसे करते हैं, डीबी सेट ऑफ टी डॉट एंटिटी ऐड हो गया। ऐड एसिंक का हम लोगों को कैसे करना है, डीबी सेट डॉट ऐड एंटिटी। लेकिन ये जो है एसिंक्रोनस टाइप है, तो यहां पर हम लोगों को एसिंक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा पहली बात, और दूसरा ये हमेशा रिटर्न करता है वैल्यू को, तो रिटर्न ऑफ एंटिटी, ठीक है। अगर एसिंक्रोनस यूज करते हो तो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए डिलीट। और यहाँ पर हमारे पास है डिलीट एसिंक है, डिस्पोज भी है, डिलीट भी, ओके दोनों है। तो डिलीट सबसे पहले आप लोगों के पास है डिलीट बाई आईडी आप लोग कर सकते हैं, डिलीट एसिंक भी आप लोगों के पास है, ठीक है। दोनों डिलीट के फंक्शंस आप लोगों के पास हैं। तो आप लोगों को डिलीट वाला फंक्शन जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, इफ अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री डॉट, तो हमारे एंटिटी स्टेट एंटिटी टू डिलीट हो गया ना, तो एंटिटी हो गया डॉट स्टेट, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री ऑफ एंटिटी डॉट स्टेट, इसकी स्टेट है क्या, मॉडिफाइड स्टेट है या नहीं, तो हम लोगों को सबसे पहले यही देखना पड़ेगा। तो एंटिटी स्टेट डॉट डिटैच्ड, ठीक है। अगर डिटैच्ड है तो हम लोगों को क्या करना है, डीबी सेट डॉट अटैच, अटैच कर देना है किसके साथ, एंटिटी के साथ, अदरवाइज हम लोगों को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो डीबी सेट डॉट रिमूव एंटिटी, ये हो गया डिलीट वाला फंक्शन। अब डिलीट एसिंक भी हम लोगों को कॉल करना है, तो डिलीट वाला जो कॉल था एक्चुअली में डिलीट एसिंक भी उतना ही हम लोगों को करना है, बस वो रिटर्न करना है हम लोगों को वैल्यूज, है ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग ये चीज़ पेस्ट कर देंगे, लेकिन ये एसिंक्रोनस टाइप आप लोगों की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एसिंक्रोनस टाइप, ठीक है। और इसको हम लोग डीबी सेट के रिमूव करने के बाद में यहाँ पर कर देंगे रिटर्न, रिटर्न एंटिटी। इतनी बात भी आप लोग समझ में आ गई होगी। गेट ऑल हो गया आप लोगों के पास, गेट बाई आई डी, गेट बाई आई डी। अपडेट वाला फंक्शन जो है आप लोगों के पास नहीं हुआ, तो अपडेट एसिंक है एक तो, और एक अपडेट है। तो सबसे पहले हम लोग अपडेट कर लेते हैं। अपडेट में हम लोगों के पास क्या होता है, डीबी सेट डॉट अटैच, और किसको अटैच करना है, एंटिटी को, ठीक है। कंटेक्स्ट डॉट एंट्री ऑफ एंटिटी डॉट स्टेट इज डबल इक्वल्स टू किसके बराबर है, एंटिटी स्टेट, ये आ गया एंटिटी स्टेट डॉट डॉट मॉडिफाइड, ठीक है। अगर मॉडिफाइड है दोनों के स्टेट तो हम लोगों को क्या करना है, सॉरी ये डबल इक्वल टू का लगा दिया, तो मॉडिफाइड स्टेट, अगर इसकी स्टेट जो है वो मॉडिफाइड कर देते हैं, पहले अटैच कर देते हैं एंटिटी को उसमें, और उसकी स्टेट को क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, हो गया। और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देंगे बस एंटिटी को। सबसे पहले एंटिटी को क्या कर दिया हम लोगों ने, अटैच कर दिया, डीबी सेट डॉट अटैच एंटिटी टू डीबी, ये हो गया। और उसके बाद में मॉडिफाइड कर दिया स्टेट को, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा अब आप लोगों की वैल्यू। इसमें भी सेम यही आप लोगों को करना होता है, ठीक है। अपडेट एसिंक में रिटर्न करना होता है फिर रिटर्न, और इसमें एंटिटी जो है वो हम लोगों को रिटर्न करना है। यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेते हैं, एसिंक्रोनस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको हम लोग ये यूज कर लेते हैं, गेट वाई आई डी हो गया, यस यस।
गेट ऑन हो गया, यस, डिस्पोज नहीं हुआ अभी तक, और डिलीट हो गया, यस यस, ऐड हो गया। चलिए आप लोगों के पास हो गए। अब हम लोगों को जो करना है वो है डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज नहीं हुआ अभी तक, तो चलिए डिस्पोज यूज़ कर लेते हैं। ये आप लोगों को सभी में ऐड करने हैं, यह जो फंक्शन मैंने लिखा है जेनरिक रिपोजिटरी का, ये आप लोगों को सभी में करना ही करना है, ठीक है। तो इतनी बात तो आप लोगों को हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी कि हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्पोज के लिए क्या लगाते हैं, प्राइवेट बूल, सॉरी बूल डिस्पोज्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या सेट कर देते हैं, फॉल्स। अब जो डिस्पोज नाम से फंक्शन है आप लोगों के पास, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कॉल करते हैं, डिस्पोज्ड, डिस्पोज को कॉल कर लेंगे, और उसमें हम लोग क्या सेट कर देंगे, ट्रू, और यहां पर हम लोग कर देंगे जिससी डॉट सप्रेस फाइनलाइज डॉट दिस। अब ये डिस्पोज वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग जनरेट कर लेंगे, ये हो गया बूल वी, ठीक है, बूल डिस्पोजिंग हो गया। इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, अब इफ नॉट दिस डॉट डिस्पोज्ड, अगर नहीं है तो अंदर आए, इफ डिस्पोजिंग, सॉरी वी की जगह हम लोग डिस्पोजिंग लिख देते हैं यहां पर, ताकि ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं डिस्पोजिंग, और होने के बाद में हम लोग लिख देते हैं यहां पर कंटेक्स्ट डॉट डिस्पोज, ये हो गया। एंड इफ के बाद में हम लोगों को करना है दिस डॉट डिस्पोज्ड इक्वल्स टू फॉल्स, सॉरी ट्रू, फॉल्स हम लोगों ने सेट कर रखा है। तो ये आप लोगों के पास हो गया डिस्पोज का फंक्शन, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, डीएलोकेट कर देगा। तो ये आप लोगों को जो जेनरिक रिपोजिटरी है ये हमेशा बनानी ही है, ठीक है। अब मैंने जो रूम टाइप का जो आप लोगों को दिखाया है वहां पर हम लोग इसका अगर ऑब्जेक्ट बना ले तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसमें क्या कर देंगे, जो कॉमन कॉमन फंक्शन ही कॉल करने हैं, जैसे कि रूम टाइप वाले करने हैं, गेट ऑल, अपडेट, डिलीट, तो वो हम लोग इसके जरिए ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम लोग उसके लिए जेनरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, और फाइनलाइज हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।